रुद्रपुर जिला प्रशासन और जिला पंचायत के संयुक्त टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माता फैक्ट्री पर छापा मारकर प्लास्टिक ग्लास के 4300 बंडल बरामद किए। प्रतिबंध के बावजूद फैक्ट्री में कई साल से अवैध रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन किया जा रहा था। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया है। जिला प्रशासन और जिला पंचायत की संयुक्त टीम जब खुशबू इंडस्ट्री के नाम से चल रही फैक्ट्री पर छापा मारने पहुंची तो फैक्ट्री के मुख्य गेट पर ताला लगा था। टीम फैक्ट्री के पिछले दरवाजे से अंदर गई तो वहां पर काम कर रहे लोग फैक्ट्री के पिछले गेट से भागने लगे, जिन्हें टीम ने रोक लिया और उनसे पूछताछ की। इस कार्रवाई को लेकर SDM जय भारत सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले फैक्ट्री में सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री से प्लास्टिक ग्लास के 4300 बंडल से लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने में उपयोग होने वाले कई सामान बरामद किए गए हैं। 27 कट्टे पकड़े जो तैयार हो गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 4200-4300 के आसपास जो बंडल हैं वो पकड़े हैं और एक बंडल में 40 कप आते हैं। उसके अतिरिक्त बड़े रोल हैं उनको पकड़ा गया है। इन सबको सीज करके जिला पंचायत के अधिकारी आए हुए हैं, वो लेके जाएंगे। जो मशीन्स हैं उनको क्षेत्रीय अधिकारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गोस्वामी जी आ रखे हैं, अब वो लेके जाएंगे और फैक्ट्री को सीलिंग की कार्रवाई जिला पंचायत और पोल्यूशन वाले करेंगे और तहसीलदार मौके मजिस्ट्रेट के रूप में उसको कार्रवाई को करवाएंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।